आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी। सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है सुबह के कारोबारी सत्र में, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। रूपा जी, सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमने बिनौला खल को बीते दो ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि 2800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, और आज देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वायदा 2914 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी, आपका जो टारगेट था 2900 का, वो आज हिट होता नजर आ रहा है, अचीव होता नजर आ चुका है। आपको यहां से क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह बिनौला खल में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनेगी या फिर सस्टेनेबिलिटी देखने के मिलेगी और 3000 का भी टारगेट आपका अचीव हो जाएगा? देखिए, मुनाफा वसूली तो बाजार में देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बाजार का ट्रेंड है, ऊपर नीचे मार्केट करता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी जनवरी वायदा हम देख रहे हैं कि 3000 तक ऊपर जा सकता है, वो आज में हो सकता है ये लेवल देखने को मिले आपको हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, या जब अगले हफ्ते की शुरुआत हो तब वहां पर आपको 3000 से 3200 तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब वापिस से तेजी आ चुकी है कॉटन में भी और बिनौला खल में भी, तो यहाँ से काफी पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज पोजिशन को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड वहां से फिर 2800 तक नीचे आ सकता है। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, 3000 से लेकर 3200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।